हाय एवरीवन, मैं अजीत कुमार, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपना चैनल उगीपुर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 9th के इंग्लिश का पेपर, जो कि आपके पेपर के बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा यह पेपर, यदि आप इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर अपना पेपर देने जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यह निश्चित नहीं होता कि आपका कोड मैच करे, लेकिन आपके क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, यह मैंने पेपर सॉल्व करते हुए बहुत नोटिस किया है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा यह किस क्लास का पेपर पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन MVR कोड का, यह देख सकते हैं कोड का पेपर है प्यारे दोस्त, और ये इंग्लिश का क्या है पेपर है। टाइम आपको दिया गया है 3 hours 15 minutes का समय दिया गया है, और यहाँ प्यारे दोस्त नोट किया दिया है फर्स्ट 15 minutes आर अलाउड टू द, क्या दिया है, कंडीशनल फॉर द रीडिंग द, क्या दिया है, रीडिंग दो बार लिख दिया है द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट अलाउड है क्या इसको पढ़ने के लिए, क्या दिया है, इंट्रक्शन मतलब प्यारे दोस्त निर्देश होता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में डिवाइड है। सेक्शन ए आपको क्या दिया है, कंटेंट्स मल्टीपल चूज क्वेश्चन एंड कैंडिडेट हैव यू टू चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। प्यारे दोस्त आपको यहाँ पर चूज करके लिखना है, और यहाँ पर प्यारे दोस्त तीसरा क्या दिया है, सेक्शन बी क्या दिया है, कंटेंट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये जो कंटेंट रहेगा प्यारे दोस्त आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना पड़ेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी मतलब सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मेक आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन मतलब कि प्यारे दोस्त जो भी नंबर दिए गए हैं मार्क वो क्वेश्चन के आगे इंडिकेट कर दिए गए हैं सामने। क्या दिया है, सेक्शन ए डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन, प्यारे दोस्त रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। प्यारे दोस्त इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद जो भी इससे क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ से आपको क्या करना है, चूज करना है। द हिमालयस आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित सुंदर पर्वत है, क्या है, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित सुंदर पर्वत है। फिर क्या दिया है प्यारे दोस्त, यहाँ पर सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाइजेस्ट पीक आर इन द हिमालयस मतलब कि दुनिया की सबसे ऊंची तस्वीर कहाँ कौन है, हिमालय के सम द पीक वर्ड्स। फिर याद है द हाइजेस्ट पीक द माउंट एवरेस्ट द टॉप्स ऑफ माउंट कवर्ड विथ स्नो, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है और शीर्ष पर्वत पर बर्फ से क्या रहती हैं, ढकी रहती हैं। यहाँ दिया है द टॉप्स ऑफ मतलब शीर्ष माउंट आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू द सो मतलब कि बर्फ से ढकी रहती है। द ईयर 3-4 वी कॉल देम द हिमालय और द एबल स्नो मतलब कि दोस्त यहाँ पर इसका क्या जगह, इसीलिए हम वहाँ हिमालय का शब्द पुकारते हैं। देयर फोर वी कॉल देम हिमालय और द एबल स्नो मतलब कि इसीलिए हम उसे क्या हिमालय का कच्छ शब्द पुकारते हैं, बर्फीली या पुकारते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, हिमालयज आर आल्सो कॉल्ड मतलब कि हिमालय को किस नाम से पुकारा जाता है प्यारे दोस्त। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया टेम्पल ऑफ स्नो, फिर दिया माउंट विथ स्नो, फिर दिया है पिरामिड ऑफ स्नो, फिर दिया है एबल टू स्नो ऑफ स्नो, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं, क्या दिया डॉट डॉट इज द हाइजेस्ट पीक ऑफ हिमालयज माउंट एवरेस्ट, फिर दिया है आपके सामने क्या दिया है, आप देख सकते हैं प्यारे दोस्त यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, द हिमालय और स्टेटेड इन द ऑफ कहाँ पर, ईस्ट पर, वेस्ट पर, नॉर्थ पर, साउथ में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं, कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फ्लाइंग
मतलब कि आपको इसमें से क्या करना, करेक्ट आंसर चूज करना है, यानी चुनना है। क्या दिया है, हु फाउंड अ रियल बुक, रियल बुक किसने पाया था, प्यारे दोस्त टॉमी ने पाया था, मार्गिन पाया था, टॉमिस टीचर दिया था, प्यारे दोस्त टॉमिक मैकेनिकल टीचर। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए सर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, हु वाज रॉन्ग विथ एल्विन, एल्विन के साथ क्या गलत था, या सी वाज ब्लाइंड और सी वाज डिफ और ड्रिफ और सी वाज लेम और सी वाज मेंटली वीक। इसका करेक्ट है डिफनेस, मतलब क्या होता है पहले, सी वाज डिफनेस, एल्विन क्या थी, बहरी थी। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड वाज एल्विन, एल्विन कितने साल की थी, एल्विन हाउ, हाउ मतलब कैसे, ओल्ड वाज एल्विन, यहाँ दिया 15, 16 ईयर्स और 17 ईयर 10 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्त, वो कितने साल की थी, 17 ईयर्स ओल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है, हु वाज रॉन फोबर्स कौन थे प्यारे दोस्त, एल्विन फादर थे, डॉक्टर थे, एल्विन फ्रेंड थे, फिर यह द म्यूजिक टीचर ऑफ एट स्कूल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ जो दिया गया है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है, आठवां क्वेश्चन, एट व्हाट द एज डिड सी बिकम फ्लाई डेप्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, एट वाज द डिड सी बिकम फ्लाई डीप, डीप मतलब बहरापन, एट वाट किस समय, क्या समय था प्यारे दोस्त, बिकम मतलब कि बहरापन पाया गया था, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपका 11 ईयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने साल की थी एल्विन, तो प्यारे दोस्त 11 साल की थी, तब यह बहरापन पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन टू रीड द पैसेज गिवन ब्लो ऑफ द आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो। प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, इस पैसेज को अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आइए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया, एल्विन अलाउज रिव्यू हर शो ऑफ वंडर प्लेटफॉर्म ऑफ फुट डॉट डॉट थ्रू द फिट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेवरियंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या है, ए सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स रेशियोस इज, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर पढ़ना है प्यारे दोस्त, व्हाट डिड द लिटिल बॉय ट्राई ऑफ द कैच व्हील पैसिंग थ्रू द फील्ड, मतलब कि छोटा बच्चा फील्ड से गुजरते समय किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, द डॉर्गन्स फिल्स मतलब क्या होता है, बच्चा, डोरगन मतलब अजगर का बच्चा, फिर दिया है स्पैरो मतलब गौरैया, फिर दिया है अकाइट मतलब पतंग, नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसे बच्चा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, किसे बच्चा पकड़ने का कोशिश कर रहा था प्यारे दोस्त, और डॉर्गन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, किसको, डॉर्गन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बटरफ्लाई एंड डॉर्गन्स को। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, बारहवां क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट वाज टोटो, टोटो क्या था, अ डॉग था, अ बियर कब मतलब भालू का बच्चा, अगला दिया अ मंकी, अ लैम मतलब कि भेड़ का बच्चा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मंकी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, यदि हाउ डिड द टोटो प्रोवाइव टू द अदर एनिमल, टोटो ने कैसे एक मतलब कि अदर मतलब कि क्या कहते हैं, अदर मतलब कि दूसरा, क्या दिया है, ट्रेंडली ट्रबल्स समथिंग केयरफुल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रबलिंग इसका करेक्ट आंसर मतलब परेशानी से किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया, रीड द फ्लाइंग स्ट्रक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। प्यार दोस्त आपको इसको स्ट्रक्चर को क्या करना, अच्छी तरह से पढ़ना है स्ट्रक्ट, और फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे और इन क्वेश्चन का आंसर देना है। विच रोड रोड वाज द, क्या दिया है, चूरन कुछ ऐसा दिया, चूरन
द पोएट। इसका करेक्ट आंसर क्या था, चूज मतलब चूजिंग, रोड विथ लेस ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, रोड विथ मोर ट्रेवल्स, रोड विथ अ लेस रन, रोड विथ मोट रन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पैदर्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेस रन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेवल्स सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दिया गया है। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द वर्ड क्या दिया है क्रिंकली मीन्स, मतलब इसका क्या होता है पैदस, इसका मतलब क्रिंकली मतलब क्या होता है, क्या दिया है, अ डर्टी विथ मंकी फूड रिटेड मस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा पैदस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ 16वां का, 16 का करेक्ट आंसर पैदस आपको चेकआउट करना है, इसका मैंने सॉल्व नहीं किया है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, व्हाट डिड सी ई क्या दिया है, नोटिस अ गर्ल गर्ल प्लेइंग वन डे, मतलब कि लड़की ने क्या ध्यान दिया था खेलते समय, प्लेइंग वाइमिन्स टेबल्स ग्रीटर्स एक्स एक्स वाई लोफेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं 19वां, विच डिड द एल्विन गेट द रॉयल फिलमोनिक्स स्टोटिस पैलेसिंग्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पैलेस 1993 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है, हु बैंडेड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन द रॉयल प्लेस, क्या दिया है, बरबर अकबर, बरबर दिया था शाहजहाँ और फिर औरंगजेब, ऐसा दिया है प्यारे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्त यहाँ पर आपको क्या दिया गया, पैसेज दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं इस पैसेज को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पैसेज में से क्वेश्चन पूछे गए, इन पैसेज को आपको सॉल्व करना है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर लीजिए। क्या दिया, आंसर एनी ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, क्या दिया, व्हाई वाज मार्गी डूइंग वेल्डी इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द कंट्री इन फैक्टर्स डू यू हेल्प हर। और फिर दोस्त यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया गया आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद इसे सॉल्व कर लेना है। आई एम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या दिया, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिविंग द ब्लो रिटन एंड आर्टिकल ऑफ एन इंडिया डिजिटल और इकोनॉमी। इसका करेक्ट आपको इसको लिखना है प्यार दोस्त। फिर दिया है क्या दिया है, प्यार दिया है रिव्यू राइट द फ्लाइंग वाइज चेंज इन टू द इन डायरेक्ट स्पीच, क्या दिया है प्यार दोस्त, इन डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया गया है, पहला क्या दिया है, ही सैड टू मी, उसने कहा मुझसे, आई कैन डिफॉल्ट यू इन स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना होता है, मैं तुम्हें तैराकी में हरा सकता हूँ। और यहाँ पे आदर्श इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सैड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट ही कूड सी ओ यू एल डी ही कूड डिफेक्ट इन द स्विमिंग, ऐसा जो दिया गया है, तैराकी में हरा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, चेंज द पैसू वाइस इन टू द पैसू वाइस, क्या दिया गया है प्यार दोस्त, वी रेस्पेक्ट द टीचर, हम किसका रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं अध्यापक। यहाँ पर भी किस में चेंज हो जाएगा, आवर में, हम लोग हो जाएगा आवर टीचर्स, TECHERS, आवर टीचर आर रेस्पेक्टेड बाई अस, बाई अस क्या हो जाएगा, आर रेस्पेक्टेड बाई अस। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है, पंचुएट द फ्लॉइंग पैसेज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यार दोस्त, यहाँ पर सर हो जाएगा, जो यहाँ पर सेट कुछ ऐसे दिया गया है, ये सर पहले आ जाएगा यहाँ पर जो दिया गया है। और प्यारे दोस्त यहाँ पर आपसे ट्रांसलेशन पूछा गया, जिसे हम सॉल्व कराने वाले हैं, क्या दिया गया ट्रांसलेशन में आपके सामने कुछ इस तरह दिया है, ट्रांसलेशन द फ्लाइंग इनटू इंग्लिश, याद रखो, क्या दिया है, याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, क्या कह रहा है, याद रखो
मतलब रिमेम्बर मतलब याद रखना, R E M B B E R, रिमेम्बर नो वन, नो नो वन अ, रिमेम्बर नो वन इज अ स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। अब प्यार दोस्त यहाँ पर अगला आपके सामने क्या दिया है, कोई भी परदेशी नहीं है। प्यार दोस्त कोई भी क्या है, परदेशी नहीं है, नो कंट्री, NONCOUNT, नो कंट्री इज फॉरगेन कंट्री, नो कंट्री इज फॉरगेन मतलब विदेशी, फॉरगेन कंट्री क्या हो जाएगा, फॉरगेन कंट्री। अब यहाँ क्या दिया है जो कि अब जैसे सभी वेशभूषाओं के नीचे हमारे शरीर का एक समान सांस लेता है। प्यार दोस्त इस सभी का आपका एक साथ में स्क्रीन पर आपको ट्रांसलेशन दिख रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन आपके सामने जो दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्यार दोस्त, स्क्रीन शॉट लेकर आप इनका सॉल्व कर यदि लीजिएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर बार विजिट करें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स यानी मित्र में नहीं शेयर किए तो आप उन्हें ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उनका भी आपका हेल्प आपके थ्रू उनका हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।